फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये आर्ट कली वाला डोरमेट बनाना बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें 27 फंदे डाल देते हैं। फंदे इस तरह से फिंगर में लपेट करके डालने हैं। तो देखिए, इसमें 27 फंदे डाल दिए हैं। अब इसे एक बार यहाँ से उल्टा उल्टा बिन लेते हैं। इस तरह से उल्टा उल्टा बिनते हुए इधर चले जाएंगे। देखिए, बिनते हुए यहाँ अंत तक आ गए हैं। सभी को बिन लेंगे, छोड़े उड़ेंगे नहीं। पहले लाइन में सबको बिन लेना है। ये इसकी उल्टी साइड है। अब यहाँ उल्टी साइड में ही हम लोगों को कलर भी जोड़ना है। देखिए, यहाँ ऊपर की तरफ आ गए हैं। यहाँ ऊपर के जो दो फंदे हैं उसको येलो कलर के धागे से बिनेंगे। ये सीधी साइड है इसकी। पहले फंदे को इस तरह उठा लेंगे और फिर इसे उल्टा बिन लेंगे। धागे को पीछे कर देंगे, पीछे वाले धागे को सामने कर लेंगे और अब यहाँ से फंदे छोड़ना शुरू करेंगे। तो अब फिर से नीचे बिनते हुए जाएंगे और तीन फंदे को छोड़ देंगे। देखिए, ये अंत के जो तीन फंदे हैं इन्हें नहीं बिनेंगे, पीछे की तरफ धागे को कर देंगे। पीछे की तरफ बिनते हुए यहाँ तक आते हैं। देखिए, इस साइड से बिनते हुए यहाँ आ गए। ये जो दो फंदे हैं इन्हें नहीं बिनेंगे और ये येलो कलर के धागे से इसे बिन लेंगे। तो इस तरह से ले लेते हैं। बाकी ये जो दो येलो हम देखिए, येलो कलर का चार फंदा हो गया है। पहले वाले को उठा लेते हैं और इसे बिन लेते हैं। इसे पीछे कर फिर से बिनते हुए जाएंगे और तीन फंदे को छोड़ देंगे नीचे की तरफ। इधर पहले तीन फंदे छोड़े, फिर से तीन फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए, इन तीन फंदों को छोड़ देंगे, पीछे की तरफ कर देते हैं। पीछे की तरफ फिर से यहाँ बिनेंगे और ये दो फंदे येलो कलर के धागे से बिनेंगे। तो चलिए ऊपर चले जाते हैं इस तरह से बिनते हुए। ये देखिए, फिर से ये जो दो ये है इसे येलो कलर से ही बिनेंगे। दो फंदों को इधर से ले लेंगे। इसी तरह इस पहले को उठा लेंगे, जितना येलो कलर से है उसे येलो कलर से बिन लेंगे। बाकी को इसी से बिनेंगे और फिर से तीन फंदे छोड़ देंगे नीचे की तरफ। तीन फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए, फिर से तीन फंदे नहीं बिनेंगे, पीछे की तरफ कर देंगे। पीछे की तरफ फिर से ऐसे ही बिनते जाएंगे और ये दो फंदा इस येलो वाले से बिन लेंगे। ये देखिए, ये दो फंदे फिर से येलो वाले से बिन लेंगे। फिर से पहले फंदे को उठा लेंगे और फिर से बिनते हुए इन तीन फंदों को बिन के वापस मुड़ जाएंगे। बिल्कुल जो प्रोसेस है वैसे ही करेंगे। चलिए इसको कर लेते हैं। ये देखिए, फिर से इन तीन फंदों को छोड़ देंगे, पीछे की तरफ कर लेंगे। देखिए, पीछे की तरफ अब यहीं पे ये येलो कलर का बिन लेंगे इस तरह से
देखो बाकी सबको येलो कलर से बिन देंगे। देखिए फ्रेंड्स इधर तीन तीन फंदे छोड़ते हुए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे दोनों अब टच हो चुका है, मतलब कि अब छूटेगा तो ये येलो में से तीन तीन फंदा छूटेगा। क्या करेंगे, यहाँ से बिनते हुए जाएंगे और ये येलो का ही तीन फंदा छोड़ के फिर वापस मुड़ जाएंगे। इसे कर लेते हैं और जो पीछे में जो कर रहे थे वो नहीं करेंगे। इस तरह पहले फंदे को उठा करके फिर से बिनते हुए जाते हैं। ये देखिए यहाँ ये तीन फंदे छोड़ देंगे और पीछे कर देंगे, इसे पीछे से बिनाई कर लेंगे येलो से ही। अब सिर्फ येलो से ही तीन तीन फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक कर लेते। देखिए ये छोड़े फिर तीन इसे छोड़ेंगे इस तरह करके, यहाँ दो तीन लाइन और बनेगा इसे बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक तीन तीन फंदे छोड़ते हुए यहाँ आ गए हैं। अब क्या करेंगे, सारे फंदों को एक साथ बीनेंगे। एक साथ बीनेंगे मतलब ये येलो वाला येलो कलर के धागे से और ये ग्रे वाला ग्रे कलर के धागे से बीन लेंगे। इस तरह से पहले को उठा लेते हैं। इस तरह से बीनते हुए नीचे चले जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स एक लाइन यहाँ से यहाँ तक बीन करके फिर वापस यहाँ पर आ गए हैं। अब क्या करेंगे, इधर से पहले फंदे को इस तरह से उठा लेते हैं और बिनते हुए नीचे की तरफ जाकर फिर से तीन फंदा छोड़ देंगे। चलिए इसे करते हैं। अब यहाँ से जाएंगे यहाँ पे नीचे में तीन फंदे को छोड़ देंगे और मुड़ जाएंगे। देखिए अंत के तीन नहीं बिनेंगे, इसे पीछे कर लेंगे। पीछे की तरफ बिनाई करते हुए यहाँ तक करते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करना है। देखिए बिनते हुए यहाँ आ गए। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग एक कली जैसा कंप्लीट कर लिए थे। अब यहाँ से ये जो है येलो वाला, अब ये जैसे नीचे की तरफ बिनते हुए जा रहे थे, अब इस वाले धागे से इस तरह से दो फंदा बिन लेंगे ये एक वाला से, और बाकी को फिर इसे यहीं छोड़ देंगे येलो वाले धागे से, बाकी को बिन लेंगे। देखिए इस तरह पहले फंदे को पहले उठा लिए हैं, यहाँ से फिर से बिनाई करते हुए जाएंगे और यहाँ तक बिनेंगे, क्योंकि ये दो फंदा हम लोग इस कलर से पीछे की तरफ बिनाई किए थे तो यहाँ तक बिन लेंगे। चलिए इसको करते हैं। देखिए बिन लिए यहाँ तक, इसे पीछे कर देंगे, पीछे वाले धागे को सामने कर लेंगे, बाकी को ऐसे ही बिनते जाएंगे और फिर से यहाँ नीचे में तीन पहले छोड़े थे तो फिर से तीन छोड़ देंगे, इसे बिन लेते हैं। देखिए ये तीन फंदे छोड़ देंगे, पीछे की तरफ बिनाई कर लेंगे। जो बढ़ाए थे वो भी बिनेंगे और फिर से और दो फंदा ऊपर की तरफ बिन देंगे इसी से। अब देख रहे हैं पहले हम लोग का येलो धागा नीचे की तरफ जा रहा था, अब ये ग्रे वाला धागा ऊपर की तरफ जा रहा है। सिर्फ दो फंदा ही बिनना है, बाकी को येलो वाले से बिनना है, क्योंकि हम लोग दो दो फंदा ही करके छोड़ रहे थे उस समय बिन रहे थे। इस तरह से देखिए यहाँ तक कर लिए हैं फ्रेंड्स। ये आगे इसी तरह से दो दो फंदा हर लाइन में इधर तीन तीन फंदे करके छोड़ते जाना है और इधर दो दो फंदा करके ऊपर करते जाना। देखिए पीछे से दो दो फंदे ऊपर करते हुए अंत में अब सिर्फ यहाँ दो येलो कलर रह गया है और अभी यहाँ पे हम लोग का तीन फंदा करके छुटा हुआ है। तो अब पहले इसे पहले फंदे को उठा लेते हैं, दूसरे फंदे को इसी तरह से बीन लेंगे, इसे पीछे कर देंगे, पीछे वाले को सामने कर देंगे, फिर से वही प्रोसेस जाएंगे, फिर से इन तीनों को छोड़ के वापिस हो जाएंगे। देखिए ये तीन फंदे छोड़ देंगे, पीछे की तरफ बिन लेंगे, पीछे की तरफ इन सबको ग्रे कलर से ही बिन लेंगे।
यहाँ पे अब देखिए फिर से हम लोगों को इन तीनों को छोड़ना है, फिर ये इन तीनों को छोड़ना है, तो फिर इसे पहले उठा लेते हैं, इसे यहाँ से बीनते हुए जाएंगे। देखिए पीछे कर देंगे, अब इन तीनों को छोड़कर बुनेंगे, सिर्फ तीन ही बीनेंगे, तीन फंदा बीन लिए, पीछे कर पीछे की तरफ सभी को बीन लेंगे। अब यहाँ से ग्रे कलर से सभी को बीन लेते हैं। सबको एक साथ बीन देंगे, यहाँ नीचे की तरफ चले जाएंगे। देखिए बीनते हुए यहाँ इस तरफ नीचे की तरफ आ गए हैं। अब नीचे की तरफ से सभी को बीन लेंगे, ऊपर की तरफ यहाँ तक करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसे। बीनते हुए यहाँ तक आ गए हैं, ये अंत का जो दो फंदा रह गया है, अब इसे हम लोग ये येलो कलर का धागा से इस तरह से बीन लेंगे। देखिए सामने की तरफ से ये इस तरह से दिख रहा है। पहले फंदे को उठा लेंगे, जो पहले यहाँ पे जिस तरह कर रहे थे बिल्कुल अब वैसे हम लोग को मिल गया है। फिर से इसे इसी तरह बीन लेंगे, इसे पीछे कर देंगे, पीछे वाले को सामने कर लेंगे और फिर बीनते हुए जाएंगे और यहाँ तीन फंदे को छोड़ देंगे और वापस मुड़ जाएंगे। जिस तरह इसमें किए थे दो दो फंदा नीचे की तरफ चले गए थे, बिल्कुल अब इसमें दो दो फंदा नीचे की तरफ करते हुए और इधर तीन तीन फंदे छोड़ते हुए इस कली को इधर से तीन तीन फंदे छोड़ते हुए और जिस तरह पीछे की तरफ से दो दो फंदे नीचे की तरफ जाते हुए इतना दूर कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ तक। अब फिर से एक लाइन इसी तरह बीन लेंगे जिस तरह यहाँ पे बीने थे और फिर ऊपर जाना शुरू कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब इसकी कली बनी है, ये हाफ कली से स्टार्ट होती है और इस तरह से कलियाँ बनती हैं इसमें। तो अब इसी तरह से पूरा डोरमेट इसी तरह से बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको इसी तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ हम इसे इसमें तीन तीन फंदा छोड़ते हुए यहाँ तक आ गए हैं। एक लाइन जो बीनते हैं उसे नहीं बीनेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग शुरुआत में एक लाइन बीन चुके थे, उसके बाद से डिजाइन यहाँ से शुरू किए थे। इस तरह से ले लेना है, दो को साथ में लेकर के इस तरह से बिनाई कर देंगे। फिर से इसी तरह दो दो फंदे को साथ में ले लेकर के बिनते जाना है। इसी तरह से पूरे को कर लेते हैं। देखिए ये अंत का एक फंदा रह गया है, इसे यहाँ से कट कर लेंगे अब और इसे पास कर लेंगे यहाँ से। इसकी उल्टी साइड में इसे यहाँ से इस तरह से सिलाई कर जाना कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसे सिलाई कर लिए हैं, हमारा डोरमेट अब रेडी।